हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे केले की सब्ज़ी। हमारे यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी जगहों पर जो है ये कच्चे केले की सब्ज़ी त्योहारों के सीज़न में बनाई जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस टाइम त्योहारों का सीज़न चल रहा है, दिवाली भी आने वाली है और भी बहुत से त्यौहार हैं, तो क्यों ना कच्चे केले की एक आसान सी हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपी बनाई जाए, जिसे बस बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आप एक स्वादिष्ट रेसिपी बना सकें। और हाँ, मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बने रहिए एंड तक मेरे साथ आगे की वीडियो में। कच्चे केले की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 केलों को अच्छे से वॉश करके ले लिया है। खड़े मसालों में हम 1 चम्मच जीरा, 2 दालचीनी, 2 लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, 2 से 3 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च को मैंने आधी कटोरी पानी में डाल करके सोख होने के लिए रख दिया है। इस मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक सोख होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम 5 से 6 कली लहसुन, 2 मीडियम साइज के कटे हुए प्याज लेंगे। मसाले को मैंने छोड़ दिया है थोड़ी देर और सोख होने के लिए, तब तक हम केले छील लेते हैं। केलों को हम अच्छे से छील लेंगे ताकि उनका जो हरा पार्ट है वो बिल्कुल ही निकल जाए। सारे केलों को मैंने यहाँ छील लिया है। इसके बाद हम केलों के पीसेस करेंगे। पीसेस हमें फ्रेंड्स थोड़े बड़े ही बड़े रखने हैं, इससे इस ग्रेवी में पकने के बाद केले अच्छे दिखते हैं। केलों को हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने 1/2 चम्मच हल्दी लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच बेसन डाल के हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स ध्यान रहे, बेसन हमें एक साथ नहीं डालना है, बेसन थोड़ा थोड़ा डाल करके ही डालना है, ताकि वो पूरे केलों में अच्छे से चिपक जाए और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह से जो है केले हमारे देखने में, जब तले जाएंगे तो देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। और चलाते हुए हम इन्हें मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमने जो मसाले भिगो करके रखे थे उनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमने रेडी कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल गरम हो गया है। अब हम केलों को एक एक करके चम्मच की मदद से कढ़ाई में छोड़ेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें केलों को एक साथ कढ़ाई में नहीं डालना है, इससे आप जलने का खतरा होता है, क्योंकि तेल उछल के हमारे ऊपर आ सकता है। तो हम थोड़े थोड़े करके एक एक करके केलों को हम डाल देंगे कढ़ाई में। उसके बाद उलट पलट करके हम केलों को तल लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से मेरी इस रेसिपी को बनाते हैं तो आपके पास डेफिनेटली दोबारा इस रेसिपी को बनाने की मांग आने वाली है, क्योंकि ये रेसिपी इतनी डिलीशियस बनती है कि हर कोई इसको दोबारा खाना चाहेगा। और केलों को गोल्डन ब्राउन होने तक हम मीडियम आंच तक तलते रहेंगे। केले गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बचा हुआ तेल है उसको हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। बचे हुए तेल में हम जीरा डालेंगे। जीरा जब हमारा अच्छे से भुन जाए, तब हमने जो पेस्ट तैयार किया था सूखे मसालों का, उस पेस्ट को हम ऐड करेंगे, चला लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। सूखे मसालों में हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और गरम मसाला डाल के भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद मसालों को हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। मसाले जब हमारे पक जाएं, कढ़ाई छोड़ दें मसाले, उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। पानी में बाउल आ जाए, जब पानी बॉयल हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे क्रश करके। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है सब्ज़ी का दोस्तों।
उसके बाद जब बॉयल आने के बाद हम केलों को डालेंगे सब्जी में। केलों को 3 से 4 मिनट पर तब मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम कढ़ाई की लिड ओपन करके देखते हैं, केले एकदम से बनके तैयार है। देखिए सब्जी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी को एक बार ट्राई ज़रूर करें, और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।